दोस्तों नमस्ते, आपका स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है। कटहल आपको भी पसंद होगा तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखेगा। तो मैं ले ली हूँ आधा किलो कटहल, जिसकी साइड से छिलका उतारा हुआ मैं लेके आई थी, मार्केट से लेके आई हूँ। अब हम इसको डालेंगे कुकर में। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक और डालेंगे पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। फिर इसको हम ज़्यादा सीटी नहीं देंगे, दो सीटी आने तक इसका वेट करेंगे। दो सीटी कुकर में आने तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं ली हूँ दो टमाटर, दो हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन। प्याज को हम नहीं पीसेंगे, प्याज को हम काटेंगे। इसको पीस लेंगे और प्याज को हम काट लेंगे। मैं दो प्याज ली हूँ, एक बड़ी एक छोटी। प्याज से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो प्याज ज़्यादा डालिएगा। प्याज को हम अभी काट लेंगे, इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े में काट लेंगे, ज़्यादा छोटे भी नहीं ज़्यादा बड़े भी नहीं, रफली काट लेंगे। फिर मैं टमाटर और लहसुन अदरक को पीस ली हूँ। अब प्याज को उठा लेते हैं, प्याज को मैं काट ली हूँ। अब कुकर ठंडा हो गया है, कुकर को ढक्कन हटा लेते हैं और कटहल को चेक कर लेते हैं। देखिए कटहल अच्छे से पक गया है, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब मैं ले ली हूँ कढ़ाई या फ्राई पैन, इसमें डालेंगे हम दो चम्मच तेल और एक गर्म होने देने के बाद कटहल को अच्छे से फ्राई करेंगे। मैं दो शिफ्ट में फ्राई करूँगी, एक शिफ्ट में नहीं आएगा। अब चाहे तो ज़्यादा तेल डाल के एक ही बार में फ्राई कर सकते हैं। देखिए ये गोल्डन हो गया है लगभग लगभग, इसको हम इसी तरह से अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। मैं दो शिफ्ट में फ्राई करूँगी। मैं अब ले ली हूँ राई, फ्राई हो गया है। फिर मैं कटा हुआ प्याज को डाल दी हूँ। फिर इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे भून लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट को, टमाटर लहसुन अदरक की पेस्ट को डाल देंगे। फिर इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। फिर डालेंगे हल्दी, नहीं धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, फिर नमक, फिर ये गरम मसाला साथ में मिक्स करके अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पर, कंटिन्यू भून लेंगे। फिर इसको हम कवर करके 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटहल फ्राई किया हुआ। कटहल को डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैश कर मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे आधा गिलास लगभग पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। फिर गैस के फ्लेम को हाई करेंगे, बॉयल आने तक हाई रखेंगे। फिर हम इसको कवर करके 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, मीडियम फ्लेम पर। देखिए ये अच्छे से पक गया है, कटहल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही अच्छी कटहल की सब्जी बनके तैयार हो गई, खड़े खड़ा कटहल की सब्जी। अब कटहल की सब्जी को सर्व कर देते हैं गरम गरम, बहुत ही टेस्टी बनके कटहल की सब्जी तैयार होगी। आप चाहे इसको रोटी साथ खाओ, चावल साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।